झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक विवाह समारोह में शामिल हुए और इस दौरान विधायक आवास पर ही पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोनी पासवान और संघ की सदस्यों से मुलाकात की है। इस दौरान पोषण सखियों ने अपने 9 महीने के बकाए वेतन की समस्या पर भी चर्चा की है। अब पहले आप सुने पोषण सखी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जो है सोनी पासवान वो क्या कुछ कह रही हैं। हम लोग को बात यही हुई हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी से कि आप लोग के लिए हम हैं और आप लोग के साथ में अन्याय नहीं होगा और आप लोग अपना डिप्टी तहे दिल से कीजिए और जिस चीज़ के लिए आप लोग को बहाली किया गया है कुपोषित हटाने के लिए तो आप लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। हम आप लोग के लिए तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। प्लस में उन्होंने ये भी कहा कि आप लोग को जो बहुत सारे जो जिला में था कुपोषित वो बहुत आपको अधिकतर कम हुआ है और जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं तो उस चीज़ में हम आगे आप लोगों के लिए खड़ा रहेंगे, सपोर्टेड में रहेंगे। कभी आप लोग मिले थे क्या? जी अभी हम लोग मिले थे 24 तारीख को हम उनसे मुलाकात हुई और अभी मतलब कि उन्हीं के बुलाने पर हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर हमारे बात दोबारा हुआ है कि हमारे जो डायरेक्टर हैं समाज कल्याण के ए डोडे से तो उनसे जो हमारी बात हुई है फ़ोन पे और उन्होंने भी कहा है कि हमने अपना जो फाइल है वो हमने अपने CM के पास ने ये रेफर किया है और उसके आधार पे हम लोग को बात तो रखा जाएगा। जो आप लोग लड़ रहे हैं लेकिन अब तक मांग पूरी नहीं है, सरकार की मंशा क्या है? सरकार की मंशा तो हम लोग को थोड़ा सा नेगेटिव लगता है बट कभी कभी हम लोग अपना हिम्मत तो हारे नहीं है और 9 महीना हो गया, 9 महीना से लगातार अभी तक हम लोग अपना पूरा चर्चा लगाए रख रहे हैं। आपका मुख्यमंत्री हो गया, विधानसभा हो गया, हर जगह हम लोग अपनी बात को रखा है और लेटर को हर जगह हम लोग फैलाया है। उस तरह से अभी तक हम लोग को कोई आश्वासन नहीं हुआ है। जहाँ तक अभी हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो उन्होंने भी कहा है कि आप लोग के साथ में अन्याय नहीं होगा तो थोड़ा सा धीरज मिला है और आगे हमारे जो CM वर्तमान में जो हमारे CM हैं तो उन पे भी हमारी आशा है कि हम लोग को पोषण सखी लोगों के लिए थोड़ा सा वो ध्यान दें और हम लोग को मांग को पूरा करें। अगले की रणनीति बता रहे थे, क्या रणनीति? जी हमारे अगले की रणनीति है कि हमारे जो 4 या 5 तारीख के जो दुमका में हमारे लिए हमारी सभी पोषण सखी हमारे 6 जिला की पोषण सखी वहाँ उपस्थित रहेंगी और 4-5 तारीख को हम लोग वहाँ पर जोरदार आंदोलन करने वाले हैं और अगर हम लोग को 9 महीना का मानदेय अगर बकाया नहीं दिया जाता है तो उससे और आगे हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, उसका जिम्मेवार हमारे खुद मुख्यमंत्री होंगे। वहाँ पे क्या प्रोग्राम है, क्या कुछ क्या है? जी हमारे वहाँ पर प्रोग्राम है हमारे मुख्यमंत्री के आवास से खिजुरिया में हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 2 दिन का। हम लोग वहाँ एक मतलब कि एक दिवस मतलब कि 2 दिवसीय हम लोग वहाँ धरना है और उसी चीज़ में हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ हमारे सफलता मिले और हमारे जो गुरु जी हैं और कम से कम हमारे गुरु जी कम से कम हमारी बातों को सुने और वो हमारे जो रिजल्ट है उनको पॉजिटिव करें। तो आपने सुना सोनी पासवान का क्या कुछ कहना था। अब पत्रकारों को संबोधित करते पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेशों में झामुमो की सरकार है लेकिन झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी की सरकार है जहां अवैध कारोबार का साम्राज्य कायम है। यह बातें रविवार को चिटाही स्थित विधायक डुल्लू महतो के आवासीय कार्यालय में पत्रकारों से कही है। उन्होंने यह भी बात कहा है कि हेमंत सरकार राज्य को नहीं बल्कि अपना विकास करने में लगी है हुई है, अपने लाभ के लिए पंचायत चुनावों को बार बार टाल दी जाती जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई थी जिससे इस सरकार ने बंद करने का काम किया है, आने वाला समय में इसका जवाब जनता देगी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं रघुवर दास। इस सरकार को सिर्फ अपना विकास और परिवार का विकास सही इसको घेरने के लिए भाजपा किस तरीके से क्या कर इस तरह देखिए डबल इंजन की सरकार में जहां हमने 14 साल में 22,246 लोग साल पर 5 साल के अंदर हमने 22,846 किलोमीटर साल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमारी सरकार ने कितनी जोर शोर से काम किया। इस देश को आज़ाद हुए जब 2014 में 67 वर्ष हुए झारखंड में 68 लाख परिवार रहते थे। 67 साल की आज़ादी में मात्र 38 लाख घर में बिजली थी। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने 30 लाख घर में बिजली पहुँचाई। ये जो ट्रांसमिशन लाइन राज्य अलग गठन होने के बाद कोई ट्रांसमिशन लाइन नहीं बनी। हमने 11 ट्रांसमिशन लाइन 250 सब स्टेशन जिसका मैंने खुद कुछ उद्घाटन किया था, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन। इसी तरह देखिए इस राज्य को अगर आगे बढ़ाना है तो महिला शक्ति को आगे बढ़ाना और हमारे राज्य में डायन बिसा और महेश जैसी बुराइयों को समाप्त करने के लिए देश झारखंड का पहला राज्य
जहाँ 50 लाख की संपत्ति में हम अपनी महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री कराते हैं। इसी तरह माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि 2022 तक किसान की आय दुगुना हो, तो पीएम किसान योजना के तहत हमारी सरकार ने राज्य के 22 लाख किसान पर एकड़ 5,000 अधिकतम 5 हेक्टर वाले किसान को 25,000 रुपया हमारी सरकार नई सरकार ठग गठबंधन की सरकार बनने के साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी 1 रुपये की योजना को बंद कर दी। किसान की आय दुगुना हो 5,000 से 25,000 मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना को बंद कर दी। जो LPG गैस सिलेंडर जो गरीब बहन को हम दे रहे थे डबल सिलेंडर, उस योजना को भी ठगा हुआ महसूस कर जनता आज इस सरकार को कोस रही है। और इस 2 वर्ष में अगर हम देखें तो झारखंड का विकास के बदले आज झारखंड विनाश की ओर जा रहा है। अब विकास जरूर हो रहा, विकास हो रहा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, सोम का और उनके परिवार का। सत्ता का उपयोग जनहित पे होनी चाहिए, लेकिन 2 वर्ष की जो कहानी है सत्ता का उपयोग अपने और अपने परिवार की संपत्ति बनाने में लगता है। इन 2 वर्ष में अगर राज्य की अर्थव्यवस्था देखे, इस राज्य को काला व्यापार का अवैध अड्डा बना के रखा, बड़े पैमाने पर अवैध कोयला का धंधा, पत्थर का धंधा, बालू का धंधा और कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा इन सारे काले धंधे वाले लोग का समर्थन। इसके साथ साथ इन 2 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री जी जनता को बताए कि एक भी योजना इन 2 वर्षों के अंदर उन्होंने शिलान्यास की, बल्कि हमारे 5 वर्ष के शासन काल में हमने जो विकास की योजनाएं शुरू की थी उन योजनाओं को हमने समय रहते तो पूरा किया, कुछ बाकी था उन्हीं के ये सरकार उद्घाटन किया। इस सरकार में सब लोग लूटने में लगे, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हो चाहे चारों मंत्री, कैसे प्राकृतिक संसाधन की लूट, जल जंगल जमीन का नारा दे के आने वाले मुख्यमंत्री जी उनके लिए नारे, और आज सारा जल जंगल जमीन, जिस तरह झारखंड में आज अवैध जमीन का धंधा पूरे राज्य में चल, जंगल अवैध कटाई हो और प्राकृतिक संसाधन का लूट किस प्रकार हो रहा, आप सभी स्वयं पत्रकार देखें।